चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद के साथ ही भारत की तीनों सेनाओं को एक नया मुखिया मिल गया है। क्या है यह पद, क्यों है जरूरी और कौन है नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रिपोर्ट में समझिए। भारतीय सेना के शौर्य और उसकी क्षमता में इजाफे की गूंज तो लाल किले की प्राचीर से पहले ही हो गई थी, और लीजिए आज वो मुकाम भी सामने आ ही गया। जी हाँ, भारत को मिल ही गए देश के पहले और सबसे बड़े प्रहरी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS का पद दो दशक की धुंध छटने के बाद आखिरकार वजूद में आ ही गया। दरअसल इस पूरे पद को लेकर CDS की जिम्मेदारियों का खाका तैयार कर NSA अजीत डोभाल ने एक रिपोर्ट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को सौंपी, जिसे मंजूरी दे दी गई। दरअसल तेज तर्रार डिफेंस कोऑर्डिनेशन की दरकार तो देश को बकायदा दो दशकों से थी, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं था। CDS का पद इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बड़ी बड़ी महाशक्तियां, जिनका दबदबा सामरिक लिहाज से दुनिया भर में है, उनकी सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पहले से ही मौजूद हैं। फिर चाहे वो अमेरिका हो, चाइना, इटली हो या फिर फ्रांस। CDS पद की खासियत, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का मुखिया एक ही होगा, तीनों सेनाओं के बीच रह सकेगा बेहतर तालमेल, सेना के ऑपरेशंस प्लानिंग को लेकर बेहतर तैयारी, डिफेंस की फंडिंग का भी हो सकेगा बेहतर इस्तेमाल, वक्त से हथियारों की खरीद पर लग पाएगी मुहर, तेज फैसलों से ताकत में इजाफा होगा। अब ये भी जानिए देश को CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत क्यों आन पड़ी। साल 1999 का कारगिल युद्ध भला कौन भूल सकता है। बेशक हमारे जाबाजों की जाबाजी के आगे दुश्मन घुटने टेक गया, लेकिन इसकी कीमत हमें भी सैकड़ों जवानों की शहादत के साथ ही चुकानी पड़ी, और इसके पीछे एक ही बड़ी वजह थी, सेना के दो अंगों का बेहतर तालमेल ना हो पाना। कारगिल होने के बाद कारगिल रिव्यू कमेटी और उसके बाद भी कई कमेटियां इस पद की सिफारिश पहले ही कर चुकी थी। हालांकि इस पद के अब तक वजूद में ना आने की कई वजहें भी थी, सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि क्या इस पद के वजूद में आने से एक ही शख्स बेशुमार ताकत के चलते लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी हावी हो सकता है क्या। खैर, हाल के परिवेश और परिपक्व हो चली हमारी डेमोक्रेसी में इस बात की शंका कम ही है, और फिलहाल तो वक्त की दरकार भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।